नमस्ते, मेरा नाम यतीन्द्र है। मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं और मैं आईटीएस इंडस्ट्रीज़ ग्रेटर नोएडा में काम करता हूं। मेरे काम के नेचर के वजह से मुझे काफ़ी लंबी सेटिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण मेरी L5 और S1 पे डिस्क बल्ज हो गया। फिर बाद में वो रप्चर होके डिस्क बाहर आ गया। धीरे धीरे मेरी जो डिस्क स्पेस थी वो काफ़ी कम हो गई, इसके कारण मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ करता था। मुझे सोने में, चलने में, उठने में काफ़ी दर्द होता था। जब भी मैं रात को या दिन को भी सोता था तो सोने के बाद उठने के नाम से ही डर लगने लगता था, क्योंकि इतनी ज़ोर का पेन होता था। फिर मैंने कई एलोपैथी डॉक्टर्स को दिखाया, सभी लोगों ने ऑपरेशन का ही सजेस्ट करा। किसी ने डिस्क का ऑपरेशन बताया तो किसी ने वर्टेब्रा का ऑपरेशन बताया। ऑपरेशन के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने, रिलेटिव ने बताया था कि स्पाइन का ऑपरेशन काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्लस वो काफ़ी ही रिस्की भी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी कराया उनको आराम नहीं मिला। तो इससे मैं काफ़ी डर गया था और मैंने कई लोगों को, जानने वालों को पूछा कि क्या करना चाहिए। तो किसी एक दोस्त से मुझे जोधपुर में पराशर हीलिंग सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे बिना दवाई के और बिना ऑपरेशन के इस पर्टिकुलर बीमारी को, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि ऑपरेशन का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा था। लगभग 5.5 लाख, किसी ने 4.5 लाख, 6 लाख का खर्च बताया ऑपरेशन का। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये आराम से सिर्फ पर्सनल हैबिट से, एक्सरसाइज से, रेस्ट से ही ठीक हो जाएगा। इनका एक अलग तरीके का उपचार है, ऑस्टियोपैथी, जिस पे ये मसाज देते हैं। फिर फिजियोथेरेपी भी होती है, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लाइक पंचकर्मा है, जिसमें ऑयल से मसाज होता है। इन सब चीज़ों को करते करते मुझे काफ़ी आराम मिला और आज 10 दिन बाद मैं ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुका हूँ। और अब जब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो मेरा दर्द काफ़ी कम हो गया है। मसल्स में कुछ स्टिफनेस है, जो यहाँ के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो आराम से, धीरे धीरे, जैसे मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आऊँगा, ये मसल स्टिफनेस भी चला जाएगा। यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और सपोर्टिव से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा काफ़ी संवेदनशील हैं। वो ये मिसगाइड नहीं करते हैं लोगों को, जैसे मुझे एलोपैथी में हर जगह ऑपरेशन का ही बताया। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि आप इंडिया पे जाओ या कहीं बाहर पे ही जाओ, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं चल फिर उठ बैठ नहीं पाऊँगा। बट अभी मैं जब यहाँ पर आया तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट करा। हॉस्पिटल के स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, वो काफ़ी केयरिंग भी हैं, और मेरा इससे मोटिवेशन और मोरल बूस्टअप भी हुआ है। और अब जब आज मैं जा रहा हूँ तो इन्होंने मुझे कुछ खान पान के बारे में बताया है कि मुझे क्या, कब, किस समय खाना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है। मसाज के बारे में बताया कि कैसे मसाज करना है। इन्होंने कुछ आयुर्वेदिक ऑयल भी दिया है जो मुझे डेली अप्लाई करना है, और प्लस खान पान के बारे में बताया गया है, जिससे मैं, मुझे लगता है कि मैं अगले 2 महीने में काफ़ी रिकवर कर जाऊँगा। मैं पारस सर, हेमंत पराशर सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं ये भी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप प्लीज़ पारस हीलिंग सेंटर को सर्च करें, ये अवेलेबल हो जाएगा गूगल के सर्च पे। और आजकल लोग ITS जॉब में काफ़ी लंबी सेटिंग करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान दें कि जॉब भी इम्पॉर्टेंट है बट शरीर भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परेशानी होती है तो इसे ठीक करने में उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, जितना हम समय बचाने के लिए अपने पोस्चर को चेंज नहीं करते हैं या लंबी लंबी सेटिंग में काम करते हैं। तो यही मैं सबसे अपील करूँगा कि जॉब भी ज़रूरी है बट शरीर भी ज़रूरी है। धन्यवाद।